सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस करियर चैनल को और घंटी बटन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारा सबसे पहले। इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम वाटर इमेज टाइम के बारे में पढ़ेंगे, जल प्रतिबिंब समय के बारे में पढ़ेंगे। तो जल प्रतिबिंब समय होता क्या है एक्चुअल में? देखिए, जल 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 अगर हम नदी, तालाब और पोखरों आदि में देखेंगे तो उसकी जो उप सतह होती है वो कैसा होता है? वो होता है हमारा क्षैतिज। वो कैसा होता है? क्षैतिज। तो क्षैतिज सतह के ऊपर कोई घड़ी ले जाए, एनालॉग क्लॉक, और उस घड़ी को जल के अंदर उसका प्रतिबिंब देखे तो उसी को हम वाटर इमेज टाइम या जल प्रतिबिंब समय कहते हैं। अब जल प्रतिबिंब समय को समझने से पहले हम मान ले रहे हैं ये हमारा क्षैतिज सतह है, वाटर है ना, ये वाटर है हमारा, और वाटर के ऊपर कोई वस्तु लाके हमने रखा, ये वाटर के ऊपर कोई वस्तु लाके रखा, ये उसका क्षैतिज सतह है, और क्षैतिज सतह से ये कुछ कोण पे ऊपर की तरफ गया है। हम मान ले रहे हैं ये 45 अंश के कोण पे ऊपर की तरफ गया है, ठीक। तो वाटर इमेज टाइम में वाटर के जो क्षैतिज सतह होती है वस्तु, ये वस्तु का सतह चेंज नहीं होता है। अगर ये मान लीजिए क्षैतिज है तो ये क्षैतिज ही रहेगा, और जितने अंश कोण पे ये ऊपर की तरफ गया है उतना ही कोण ये नीचे की तरफ इमेज बनाएगा। तो वस्तु में जो क्षैतिज सतह के जितने कोण ऊपर की तरफ जाता है वही प्रतिबिंब में क्षैतिज सतह से उतना कोण नीचे की तरफ आता है, यानी कि इसमें क्या होता है सिस्टम, अप का डाउन और डाउन का अप हो जाता है। आइए इसको जानते हैं, इस घड़ी में देख के समझेंगे। देखिए जो क्षैतिज सतह होती है, अगर क्षैतिज सतह में हम इस घड़ी में ले लें तो हमारा क्षैतिज सतह कौन सा होगा? ये 9:03 वाला, यानी कि जब 9:15 होगा या 3:45 होगा तब हमारा ये क्षैतिज होंगी बिल्कुल, और ये वाटर के ऊपर ले जाके उसका प्रतिबिंब देखेंगे तो इसका समय चेंज नहीं दिखाएगा। 9:15 ही वाटर इमेज बनेगा और 3:45 ही वाटर इमेज बनेगा। तो देखिए वाटर इमेज टाइम जो होता है हमारा बेसिकली तीन तरह के होते हैं। देखिए वाटर इमेज टाइम हमारा बेसिकली तीन तरह के होते हैं। पहला क्या होता है? पहला जो होता है यदि मिनटों की संख्या 30 से कम हो, ठीक है, कोई समय दिया गया है और उसमें मिनट जो 30 से कम हो, वो पहले टाइप का क्वेश्चन होगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होगा? यदि मिनटों की संख्या 30 हो तो जो क्वेश्चन आएगा उसमें जो मिनट होगा वो मिनट कितना होगा? 30 के बराबर होगा। और तीसरे टाइप में क्या होता है? यदि मिनटों की संख्या 30 से अधिक हो, ठीक है, जो समय दिया है उसमें मिनटों की संख्या कितनी हो? 30 से अधिक हो। तो एक चीज और, इस तीनों टाइप के क्वेश्चन में जब भी अगर यदि मिनटों की संख्या 30 से कम होता है तो हम उसको 18:30 से घटाते हैं। जब समय दे दिया, मान लीजिए समय दे दिया हमारा 8:22 पर, वाटर इमेज टाइम क्या होगा? 8:22 पर वाटर इमेज टाइम क्या होगा? तो 8:22 पे वाटर इमेज टाइम निकालने के लिए हम सबसे पहले किस पे ध्यान देंगे? मिनट पे। जब मिनट हमारा देखेंगे 30 से कम है कि 30 से अधिक है कि 30 के बराबर है, तो हम यहाँ देख रहे हैं 22 मिनट 30 से क्या है? कम है ना। जब कम होता है, देखिए यदि मिनटों की संख्या 30 से कम होता है तो हम उसे कितने से घटाएंगे? 18:30 से, 18:30 से घटाएंगे। देखिए 18:30 से घटाया तो 30 में से 22 जाएगा 8 और 18 में से 8 जाएगा 10। तो हम यहाँ कह सकते हैं 8:22 का वाटर इमेज टाइम कितना होगा? 10:08। और ये चीज देखिए कैसे आया, एक बार आइए फिर घड़ी में हम ले चलते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए हमने तो बोला है 9:15 का और 3:45 का वाटर इमेज टाइम चेंज नहीं होता, बाकी का चेंज कैसे होता है? तो देखिए जब घड़ी में 10 बज रहा होता है, ठीक, जब घड़ी में 10 बज रहा होता है तो उसका वाटर इमेज टाइम क्या होगा? 8:30 ना। तो ऐसे ही 10 पे कोई सिर्फ एक सुई होगी तो किस पे दिखाएगी? 8 पे दिखाएगी। जैसे अगर छोटी वाली सुई 10 पे है तो वाटर में वो कितने पे दिखाएगा? 8 पे दिखाएगा। अगर वही मिनट वाली सुई 10 पे होगी तो वाटर में कितने पे दिखाएगा? 8 पे दिखाएगा।
ऐसे 11 के 7 पे और 7 के 11 पे, 6 के 12 पे, 12 के 6 पे, 5 का 1 पे, 1 का 5 पे और 4 का 2 पे और 2 के 4 पे। जो सुई जिस पे होगी उसके जस्ट विपरीत दिशा में हमारा वो सुई दिखाएगा। और यही वाटर इमेज टाइम में क्या था, वाटर इमेज टाइम में था कि 11 का 11 बजे को 1 दिखाएगा, 1 का 11 दिखाएगा, 10 का 2 दिखाएगा, 10 2 का 10 दिखाएगा, ऐसे था। तो वाटर इमेज टाइम उसका सीधे विपरीत है। ठीक, तो आइए देखिए, पहले टाइप का तो क्वेश्चन हम लोग कर लिए। यदि मिनटों की संख्या 30 से कम है तो देखिए 8:22 पे वाटर इमेज टाइम निकालना था, तो हम सबसे पहले किस पे फोकस करेंगे, मिनट पे। आइए दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया 11:30 पर, 11:30 पर वाटर इमेज टाइम क्या होगा, ठीक है, वाटर इमेज टाइम 11:30 का वाटर इमेज टाइम क्या होगा, तो देखिए यहाँ सबसे पहले मिनट पे फोकस करेंगे, मिनट पे हमेशा फोकस करेंगे। मिनट यहाँ पे क्या है, 30 है, यानी कि 30 के बराबर है। यदि मिनटों की संख्या 30 हो तो किससे घटाएंगे, 1860 से। देखिए 1830 से 30 से कम होगा, 30 के बराबर होगा तो 1860 से, और 30 से अगर अधिक होगा तो 1890 से। तो यहाँ हमारा 30 के बराबर है, ये 11:30 हो रहा है, तो 30 के बराबर तो हम किससे घटाएंगे, 18 घंटे 60 मिनट से। तो 18 घंटे 60 मिनट से जब घटाएंगे तो 0 6 में से 3 गया 3, 18 में 7, 11 गया 7। तो 11:30 का वाटर इमेज टाइम हमारा कितना होगा, 7:30 होगा। वैसे इस पे आते हैं, इसमें देखिए अगर क्वेश्चन आ गया हमारा 11:49 पे, वाटर इमेज टाइम क्या होगा, 11:49 पर वाटर इमेज टाइम क्या होगा। तो यहाँ सबसे पहले किस पे हम फोकस करते हैं, मिनट वाले पे। अब मिनट हमारा यहाँ कितना है, 49 है, जो कि 30 से अधिक है। देखिए तीन ही कंडीशन हो सकते हैं, जो मिनट होगा ना हमें हमेशा मिनट पे फोकस करना है। ये मिनट क्या हो सकता है, 30 से कम हो सकता है, या 30 के बराबर हो सकता है, या 30 से अधिक हो सकता है। तो यहाँ 49 हमारा 30 से क्या है, अधिक है। जब 30 से अधिक होता है तो हम उसे 1890 से घटाएंगे, तो देखिए घटा देते हैं 1890 से, तो 90 में से 49 गया 41, या 10 में से 9 गया 1, और 8 में से 4 गया 4, 8 में से 1 गया 7, 1 में से 1 गया 0, यानी कि 7 41। यानी कि 11:49 का वाटर इमेज टाइम कितना होगा, 7:41। आइए आइए देखते हैं कंसेप्ट को स्ट्रांग करने के लिए, और भी क्वेश्चन हम कर ले रहे हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमारा कंसेप्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, 4:49 पर वाटर इमेज टाइम क्या होगा, जल प्रतिबिंब समय क्या होगा, 4:49 का जल प्रतिबिंब समय ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले हम किस पे फोकस करेंगे, मिनट पे फोकस करेंगे। मिनट को देखेंगे कि ये 30 से कम है, या 30 के बराबर, या 30 से अधिक है। तो यहाँ पे हमें मिनट क्या दिख रहा है, 30 से अधिक दिख रहा है। मिनट क्या दिख रहा है हमें, 30 से अधिक दिख रहा है, तो हमें उसे 1890 से घटाना होगा। 1890 में से उसे घटा दीजिए 4:49 को, तो जो समय आएगा वही हमारा वाटर इमेज टाइम होगा। देखिए 10 में से 9 गया 1, 8 में से 4 गया 4, और 8 में से 4 गया 4 और 1, यानी कि 14:41। लेकिन एनालॉग क्लॉक में 14 तो बजते नहीं है, उसमें कितना बजेंगे, 2 बजेंगे। 14 को हम कितना बोल सकते हैं, 2 बस बोल सकते हैं। तो यही हमारा है 2:41 वाटर इमेज टाइम होगा, किसका, 4:49 का। ऐसे ही देखिए घड़ी में ऐसे दो समय होते हैं ना जो वाटर इमेज टाइम सेम दिखाते हैं, जैसे मैं ऊपर बताया हूँ 9:15 का, देखिए कैसे सेम बताते हैं, उसको सॉल्व भी करके हम देख ले रहे हैं। देखिए दो समय घड़ी में ऐसे होते हैं जिसका वाटर इमेज टाइम वही होता है जो समय होता है, ठीक है, कैसे उसको निकालेंगे। देखिए अगर दिया 3:45 का वाटर इमेज टाइम क्या होगा, तो यहाँ हम सबसे पहले किस पे फोकस करते हैं, सिर्फ मिनट पे फोकस करते हैं। मिनट हमारा अगर 30 से अधिक है, या 30 से कम है, या 30 के बराबर है, तो अलग अलग लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा 30 से अधिक है ना, तो हम उसे 1890 से घटाएंगे 3:45 को, तो 1890 में से 3:45 को घटाएंगे, तो देखिए 10 में से 5 गया 5, और 8 में से 4 गया 4, यहाँ 8 में से 3 गया 5 और 1, यानी कि 15:45। जबकि एनालॉग क्लॉक में 15 तो बजते नहीं है, तो डिजिटल में बजते हैं, तो एनालॉग में यही समय कितना दिखाएगा, 3:45। तो 3:45 वाटर इमेज टाइम होगा, जो हमारा समय था वही है वाटर इमेज टाइम।
3:45 का वाटर इमेज टाइम क्या होगा, 3:45 ही होगा। तो वही मैं लिखा हूँ ऊपर, दो समय घड़ी में ऐसे होते हैं जिसका वाटर इमेज टाइम वही होता है जो समय होता है। तो दूसरा आप कौन सा होता है, तो दूसरा देखिए 9:45 होता है, वाटर इमेज टाइम क्या होगा, 9:45, 9:15, सॉरी 9:15 का वाटर इमेज टाइम क्या होगा, 9:15 का वाटर इमेज टाइम 9:15 ही होगा। कैसे निकलेगा वो, तो हम सबसे पहले किस पे फोकस करते हैं, 9:15 पे। यहाँ 15 हमारा क्या है, 30 से कम है। जब 30 से कम होगा, जब भी 30 से कम होगा, तो हम 18:30 से उसे घटाते हैं। तो देखिए 18:30 से 9:15 को घटा दीजिए, तो 9:15 को हम घटाएंगे तो 30 में से 15 गया 15 और 18 में से 9 गया 9, तो 9:15 का वाटर इमेज टाइम 9:15 ही हमारा आ गया, ठीक है। अतः 9:15 का वाटर इमेज टाइम 9:15 ही होगा। तो वाटर इमेज टाइम भी हम आज पढ़ चुके, अच्छे से ही पढ़ चुके हैं। हमें उम्मीद है कि आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं छोड़ेंगे। बस आपको याद क्या रखना है, तीन कंसेप्ट, वो भी वो तीनों कंसेप्ट क्या है वाटर इमेज टाइम के। तो पहला है जो 30 मिनट से कम होगा, तो 30 मिनट के कम होगा तो वो 18:30 से घटाएंगे। और दूसरा याद रखेंगे, यदि मिनटों की संख्या 30 होगी, सिर्फ मिनट हम ध्यान देंगे, तो उसे हम जब मिनटों की संख्या 30 होगी तो 18:60 से घटाएंगे, यदि मिनटों की संख्या 30 से अधिक हुई तो 18:90 से घटाएंगे। यही आपको याद रखना है वाटर इमेज टाइम के लिए, इतना ही कंसेप्ट है, इससे अधिक कंसेप्ट नहीं आता एग्जाम में। और अधिक आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप किसी भी किताब से अरिहंत हुआ या किसी भी लूसेंट वगैरह का ले सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं रीजनिंग वाटर इमेज टाइम का। तो इस वीडियो में हम इतना ही, बस अगले वीडियो में हम मिलेंगे फॉल्टी क्लॉक के साथ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, धन्यवाद।